Now discuss equation of the plane. Plane क्या है? ये देखिए, ये copy का ये cover page है. This is the plane. आप जिस table पर study table पढ़ रहे हैं, that table is also a plane. आपकी book का cover page भी एक plane है. हमें उस plane की equation बतानी है. हमें इस plane की equation बतानी है. किस किस condition हम plane की equation निकाल सकते हैं? ये पहले हम समझने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद हम उस प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे. पहली कंडीशन क्या है? प्लेन की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं? पहली कंडीशन हमारे पास ये है कि हम इस प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं यदि हमें इसका एक नॉर्मल दे रखा हो. ये नॉर्मल है. नॉर्मल वो है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन है. दैट इज द नॉर्मल. इस प्लेन के ये प्लेन जो है नॉर्मल है. हमें नॉर्मल दे रखा है और ओरिजिन से, ये हमारा ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट 0, 0 और 0 हैं. इस ओरिजिन से प्लेन की डिस्टेंस दे रखी है. यहाँ से यहाँ तक की आपको डिस्टेंस दे रखी है. मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस d है. एक कंडीशन ये है कि ओरिजिन से डिस्टेंस दे रखी है और उसका नॉर्मल दे रखा है तो हम प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं. दूसरी कंडीशन है हमारे पास, हमें इस प्लेन की इक्वेशन बतानी है. हम इस प्लेन की इक्वेशन बता सकते हैं यदि हमें इसका नॉर्मल दे रखा है. ये नॉर्मल है, ये एक वेक्टर है नॉर्मल जो इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है. और हमें इस पर एक पॉइंट दे रखा है. हमें इस पॉइंट के या तो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एक्स वन, वाई वन, जेड वन, या हम कहें इस पॉइंट का हमें क्या दे रखा है, पोजिशन वैक्टर दे रखा है, तो अभी हम इस प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं. और तीसरी कंडीशन आपके पास है, थर्ड कंडीशन है, आप इस प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं यदि आपको इस प्लेन पर थ्री पॉइंट्स के बनाओ. आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है एक्स वन, वाई वन, जेड वन. एक बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट आपको एक्स टू, वाई टू और जेड टू दे रखे हैं. और एक सी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आपको एक्स टू, वाई टू और जेड टू दे रखे हैं. जब आपके पास तीन पॉइंट दे रखे हैं किसी प्लेन पर, तब भी आप उस प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं. यदि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं तो आप इसका पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, इस पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं और इसका भी पोजीशन वेक्टर आप निकाल सकते हैं. किसी कोऑर्डिनेट पर हम आई जी के लगा लेते हैं. यहाँ पर यदि हम आई जी और के लगा दें तो इस पॉइंट का क्या पता लग जाएगा, हमें पोजिशन वैक्टर पता लग जाएगा. मैं एक एक करके आपको सारी इक्वेशन बताऊँगा. ये आपके पास तीन कंडीशन हैं, इन तीन कंडीशन को ध्यान रखें. पहली कंडीशन ये है कि आपको नॉर्मल दे रखा है और परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन डिस्टेंस दे रखी है कि प्लेन ओरिजिन से कितनी दूरी पर, आपको ये चीज़ पता है. और दूसरी कंडीशन यह है कि एक पॉइंट दे रखा है और नॉर्मल दे रखा है. और थर्ड कंडीशन यह है कि प्लेन पर आपको तीन पॉइंट दे रखे हैं, तब आप प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे. मैं एक एक करके बताऊँगा, आप थोड़ा सा इसे कॉपी कर लें. अब हम इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालेंगे. पहला फॉर्मेट है हमारा नॉर्मल फॉर्म. हमें उस प्लेन की इक्वेशन बतानी है जिस प्लेन का हमें नॉर्मल दे रखा है. नॉर्मल का मतलब होता है एक वेक्टर जो उस प्लेन की क्या है, परपेंडिकुलर है. हमें नॉर्मल दे रखा है और ओरिजिन से उस प्लेन की डिस्टेंस दे रखी है. हमें गिवन है, हम इस प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस. हम इस प्लेन की इक्वेशन निकालना चाहते हैं. इस प्लेन की इक्वेशन निकालना चाहते हैं, ये प्लेन है. हम इस प्लेन की इक्वेशन निकालना चाहते हैं. हमें क्या गिवन है, हमें इसका नॉर्मल गिवन है. नॉर्मल का मतलब है एक लाइन जो इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है. हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. ये नॉर्मल है. ये नॉर्मल जो है इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है. ध्यान रखें ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 डिग्री है. और ये ओरिजिन है ओ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, 0 और 0 हैं. इस ओरिजिन से इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है आपको. यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है कि प्लेन ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, ये बात हमें पता है. ये भी 90 डिग्री एंगल ध्यान रखें. और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है हमें डी दे रखी है. यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी दे रखी है, हमें डी दे रखी है. हमें ओ ए, यदि इस पॉइंट को मैं ए मान लूँ तो ओ ए इक्वल टू डी, ये हमें गिवन है. मैं किसी तरह से ओ ए वैक्टर बना सकता हूं क्या?
देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो डी है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ओ ए की डायरेक्शन क्या होगी, ओ ए की वही डायरेक्शन होगी जो इस एन की डायरेक्शन है, क्यों, ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, दोनों चीज़ क्या होंगी आपस में पैरेलल होंगी, ओ ए वेक्टर की डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगी जो हमारी एन की डायरेक्शन है। तो हम यहाँ से डायरेक्शन ले लें, किसी वेक्टर से डायरेक्शन लेने का क्या मीनिंग होता है कि उस वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर ले लें, किसी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है वो उस वेक्टर की क्या होती है, डायरेक्शन होती है। हम यहाँ से ओ ए वेक्टर लिख सकते हैं, ओ ए वेक्टर क्या लिख सकते हैं, ओ ए वेक्टर लिख सकते हैं कि यहाँ से तो मैग्नीट्यूड ले लें, यहाँ से हमने मैग्नीट्यूड ले लिया डी, और यहाँ से डायरेक्शन ले लें, यहाँ से डायरेक्शन क्या ले ली, एन कैप। तो हम लिख सकते हैं कि ओ ए जो वैक्टर आएगा वो कितना आएगा, डी एन कैप आएगा, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन दोनों की क्या है, सेम है। मेरी बात समझ आ गई होगी आपको। दूसरी बात, हम इस प्लेन की इक्वेशन निकालना चाहते हैं। इस प्लेन की इक्वेशन निकालने का मतलब है कि हम इस पर एक वेरिएबल पॉइंट लें, मान लेता हूँ वेरिएबल पॉइंट आर है ये, और इस वेरिएबल पॉइंट का पोजिशन वैक्टर मैं आर मान लेता हूँ, लेट पोजिशन वैक्टर ऑफ आर इज आर वैक्टर, इस आर का मतलब है ये पोजिशन वैक्टर लिया मैंने, ये पॉइंट लिया है, ये वेरिएबल पॉइंट इस प्लेन पर कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, ये आर पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमें ओ आर जो वेक्टर है वास्तव में वो हमारे पास क्या है, ओ आर वेक्टर जो है आर है, यही आर का क्या होगा, पोजिशन वेक्टर होगा, आर का पोजिशन वेक्टर हमने आर लिया है, और तो ओ आर जो है वो हमारे पास क्या होगा, ये आर वेक्टर होगा। अब हम क्या करेंगे, किस आर वेक्टर में और इस डी में कोई रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे, जो रिलेशन निकल के आएगा वही इस प्लेन की क्या होगी, इक्वेशन होगी। अब रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं, देखिए हमें ये ओ ए वैक्टर पता है, और हम यहाँ से आर ए आर वैक्टर निकाल सकते हैं क्या, ए आर वैक्टर, ए आर वैक्टर होगा आपके पास ओ आर वैक्टर, ओ आर वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। देखिए ये ओ ए वैक्टर है, ये आपके पास क्या है, ओ आर वैक्टर है, ओ ए प्लस ए आर, ओ ए प्लस ए आर, ओ ए प्लस ए आर जो है वो किसके बराबर होगा, ओ आर के बराबर होगा। यदि आप यहाँ से ए आर वैक्टर निकालना चाहते हैं तो ए आर वैक्टर के लिए क्या करेंगे आप, ओ आर वैक्टर में से इसकी पोजिशन को क्या कर दें आप, माइनस कर दें, तो आपको ए आर वैक्टर पता लग जाएगा। ए आर वैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ से, ए आर वैक्टर हो जाएगा यहाँ से ओ आर, ओ आर आपके पास क्या है, आर वैक्टर है, माइनस ओ ए वैक्टर क्या है, ओ वैक्टर आपके पास डी एन कैप। तो आपने क्या निकाल लिया, ए आर वैक्टर निकाल लिया। अब देखिए ये ए आर वैक्टर है, इस ए आर वैक्टर में और इसमें क्या रिलेशन है, इस वैक्टर में और इस वैक्टर में क्या रिलेशन है, यहाँ पर एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है। तो आप ये कह सकते हो कि ए आर वैक्टर इज अ परपेंडिकुलर टू ओ ए वैक्टर, ए आर वैक्टर जो है वो ओ ए के क्या है, परपेंडिकुलर है। यदि ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो यहाँ से आपको एक रिजल्ट क्रिएट हो जाएगा, क्या रिजल्ट क्रिएट हो जाएगा कि ए आर डॉट ओ ए जो है वो जीरो होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। ए आर वैक्टर क्या है आपके पास, ए आर वैक्टर है आर वैक्टर माइनस डी एन कैप डॉट ओ ए वैक्टर, ओ ए वैक्टर आपके पास क्या है, वो वेक्टर है डी एन कैप, डी एन कैप इक्वल टू कितना आएगा, जीरो आएगा। यहाँ पर डी जीरो नहीं है, यदि डी जीरो नहीं है तो हम इसको इसके नीचे ले आ सकते हैं, क्योंकि रियल वैल्यू है, हम इसे लिख सकते हैं आर वेक्टर माइनस डी एन कैप वेक्टर डॉट एन कैप वेक्टर इक्वल टू जीरो। अब हम इसका डॉट कर लें तो इसे हम लिख सकते हैं आर वेक्टर डॉट एन कैप माइनस एन डॉट एन करेंगे, तो ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं, इसका मैग्नीट्यूड वन है,
तो एन डॉट एन करेंगे तो वन आएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, इक्वल टू कितना आएगा, जीरो आएगा। तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी बराबर जीरो, ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, जिसे हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। मेरी बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गई, मैंने आपको क्या किया दोबारा रिवाइज कर दूं। हमें दे रखा क्या रखा है, यहाँ से ओरिजिन से इस प्लेन की डिस्टेंस पता है, हमें ये पता है डी डिस्टेंस है, और हमें इस प्लेन का नॉर्मल दे रखा है। तब हम इस प्लेन की इक्वेशन निकालना चाहते हैं। इस इक्वेशन निकालने का क्या तरीका निकाला हमने, हमने यहाँ से ओ ए वैक्टर निकाला। ओ ए वैक्टर कैसे निकाला, कि इस ओ ए वैक्टर की और इस एन वैक्टर की दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। यहाँ से हमने ओ ए वैक्टर निकाला, यहाँ से मैग्नीट्यूड ले लिया हमने, और यहाँ से हमने डायरेक्शन ले ली। डायरेक्शन क्या होती है, किसी वेक्टर की डायरेक्शन होती है उसका यूनिट वेक्टर, हमने इसका यूनिट वेक्टर ले लिया, तो हमें ओ ए वेक्टर पता लग गया। हमने यहाँ पर इस प्लेन पर एक वेरिएबल पॉइंट लिया, और ये वेरिएबल पॉइंट प्लेन पर कहीं पर भी हो सकता है। हमने इसका वेरिएबल पॉइंट आर लिया, और इसकी पोजिशन वेक्टर को क्या मान लिया हमने, आर मान लिया। इसका मतलब है ओ आर वेक्टर जो होगा वो आर वेक्टर ले लिया हमने। अब देखिए, हमें ये वेक्टर पता है और हमें ये वेक्टर भी पता है, हमने यहाँ से ए आर वेक्टर निकाला। ए आर वेक्टर क्या होगा, ए आर वेक्टर होगा ओ आर वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। आप इसी ऐसे भी कह सकते हो कि आर की पोजीशन में से हमने क्या कर दी, ए की पोजीशन माइनस कर दी, तो हमने ए आर वेक्टर निकाल लिया। अब ए आर वेक्टर में, इस ए आर वेक्टर में और इस वेक्टर में एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है, कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो हमारे पास एक रिजल्ट क्रिएट हो गया आया, आर डॉट एन कैप माइनस डी इक्वल टू जीरो। हमें डी पता हो, परपेंडिकुलर ओरिजिन से जो प्लेन की डिस्टेंस है हमें वो पता है, और प्लेन का नॉर्मल पता है, तो हम प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, आर डॉट एन कैप निकालेंगे माइनस डी इक्वल टू कितना करेंगे, जीरो करेंगे। मैं इसके आपको कार्टेशियन फॉर्म में बताऊंगा कि इस प्लेन की इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे वो बताऊंगा, एक बार थोड़ा सा आप कॉपी कर लीजिए। अब हम इसकी कार्टेशियन फॉर्म देख लेते हैं। हमारे पास वेक्टर फॉर्म क्या थी, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, ये एन कैप पास निकला है, ये जो एन वेक्टर हमें दे रखा है उससे हमें यूनिट वेक्टर निकाला है। देखिए, ये आपके पास एन वेक्टर दे रखा होगा, मान लेता हूँ एन वेक्टर आपके पास ए आई प्लस बी जे प्लस सी के दे रखा है, तो पहले आप यहाँ से क्या निकालेंगे, एन कैप निकालेंगे, ध्यान रखें। तो एन कैप कैसे निकालेंगे, आर वेक्टर डॉट एन कैप, इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के अपॉन उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, डी आएगा। यदि आपको यहाँ पर नॉर्मल दे रखा है, ये नॉर्मल किस फॉर्म में दे रखा होगा, नॉर्मल एक वेक्टर दे रखा होगा और वेक्टर इस तरह से दे रखा होगा, तो जो नॉर्मल दे रखा है पहले उसका क्या निकालेंगे, हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे, और यूनिट वेक्टर ये निकल के आ जाएगा। ये नॉर्मल फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है, हम इसे कार्टेशियन फॉर्म बदलना चाहते हैं। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब है एक्स वाई जेड में आंसर कैसे आएगा। मान लेता हूँ ये वेरिएबल पॉइंट है, इस वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड लिख लें, मान लें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हैं, तो ये आर वेक्टर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई जेड मान लिए, तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हो जाएगा डॉट, आपके पास एन कैप ये वेक्टर है, आप लिख लें इसे ए आई प्लस बी जे प्लस सी के अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, डी आएगा। ये एक रियल वैल्यू है, चाहे तो आप इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर लो इधर, ठीक है, और इसे आप लिख सकते हो, इसको डॉट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए एक्स आई डॉट आई वन होता है प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये कौन सी फॉर्म है, ये प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म है, ये बात है। यदि आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हो और इसको यहीं पर रखते हो, तो आपको पता है कि ए अपॉन ये क्या आ जाएगा, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। ए अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। इसके डी आर क्या हैं, इस नॉर्मल के डी आर क्या हैं, इसके डी आर हैं ए बी सी। मैं पूछूं इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, तो
तो डायरेक्शन के साइन क्या होंगे, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आपको चित्र याद है। तो आप ये कहना चाहते हो कि इसको इसके नीचे ले आएँ तो ये बन जाएगा ए अपॉन दिस, और ए अपॉन दिस को आप क्या कहोगे, एल कहोगे, तो आप इसे लिख सकते हो एल एक्स। बी अपॉन दिस को क्या कहोगे, एम बाई, और सी अपॉन दिस को क्या कहोगे, एन जेड इक्वल टू क्या कहोगे, डी कहोगे। यहाँ एल एम और एन क्या हैं, एल एम एन, एल एम और एन डी सी ऑफ द वेक्टर, डी सी ऑफ नॉर्मल। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छी तरह से, आप इसे कॉपी करिए, इसमें मैं क्वेश्चन कराऊंगा बहुत अच्छे अच्छे। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन ये है आपके पास, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट डिस्टेंस ऑफ 6/√29 फ्रॉम द ओरिजन एंड नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजन इज दिस। आपको इस प्लेन की क्वेश्चन बताने हैं, इस तरह का फिगर बनाएंगे सॉल्यूशन, ये ओरिजन है, इसके कोऑर्डिनेट 0, 0 और 0 होंगे, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजन यहाँ से यहाँ तक लेंथ दे रखी है। यदि ए है तो आपको गिवन है, आपको गिवन है कि ओ ए जो लेंथ है वो कितना दे रखी है आपको, 6/√29, और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको डी दे रखा है 6/√29। साथ में और क्या दे रखा है, नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजन, इसका मतलब है ये नॉर्मल वेक्टर है, यहीं से नॉर्मल है ये नॉर्मल भी दे रखा है इसका, इसका ये एन वेक्टर दे रखा है आपका, ये एन वेक्टर क्या दे रखा है, ये दे रखा है 2i माइनस का, ये ध्यान रखिए फ्रॉम द ओरिजन इसकी डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन है 2i माइनस 3j प्लस 4k, ये एन आपको ऐसे दे रखा है, नॉर्मल कई बार ऐसे यहाँ पर अलग दे देंगे कोई परेशानी आएगी। तब हम इस प्लेन की क्वेश्चन निकालना चाहते हैं, हमें यहाँ से यहाँ तक लेंथ पता हो और हमें नॉर्मल पता हो, तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन होती है, इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे लिखी जाती है, ये लिखी जाती है आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। डी क्या है, डी है ओरिजिन से प्लेन तक की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमें यहाँ पर एन वेक्टर दे रखा है, एन वेक्टर क्या दे रखा है, एन वेक्टर दे रखा है 2i माइनस 3j प्लस 4k, एन वेक्टर दे रखा है, नॉर्मल दे रखा है, ये यूनिट वेक्टर नहीं दे रखा है। तो पहले आप यहाँ से क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको एन कैप की जरूरत है, एन वेक्टर की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से एन कैप निकालोगे तो एन कैप कैसे निकालते हो, इस वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो क्या लिखोगे 2i माइनस 3j प्लस 4k डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 4 + 9 + 16। तब आपके पास एन कैप क्या आ जाएगा, एन कैप आ जाएगा, ध्यान रखें यह आ जाएगा 2i माइनस 3j प्लस 4k अपॉन √29, यह आ जाएगा। अब आप इक्वेशन ऑफ द प्लेन लिख लीजिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी, r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू d, r वेक्टर डॉट n कैप, ये आपके पास n कैप, ध्यान रखें क्या है n कैप, 2i माइनस 3j प्लस 4k अपॉन √29 इक्वल टू डी, कितना दे रखा है डी, यहाँ डी जो है ध्यान रखिए यहाँ पर जो डी है वो है 6/√29, 6/√29 एक रियल वैल्यू है, इस रियल वैल्यू से रियल वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये r डॉट 2i माइनस 3j प्लस 4k इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, मेरी बात समझ आ गई हो आपको, आप इसे वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बड़ा सिंपल सा तरीका है, प्लेन में वेक्टर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करनी है इक्वेशन, तो इस आर की जगह पर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रख दीजिए, आप लिख दीजिए इसे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट 2i माइनस 3j प्लस 4k इक्वल टू कितना आएगा 6, आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6, या 6 को आप इधर ले आइए इक्वल टू कितना होगा 0। ये कार्टेशियन फॉर्म है, सभी कार्टेशियन फॉर्म के जो आंसर हैं ध्यान रखिए
किस फॉर्म में आएंगे, वो इस फॉर्म में आएंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। सभी आंसर इस फॉर्म में आएंगे, प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म के आंसर इस फॉर्म में होंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर जीरो। यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पर जो डी है, ये जो डी है वो परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन नहीं है। यहाँ पर जो माइनस सिक्स आया है, ये जो माइनस सिक्स आया है, ये परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन नहीं है। परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन क्या था, सिक्स अपॉन रूट 29 था। एक बात यहाँ पर बहुत अच्छी तरह मैं आपको समझा दूँ कि यदि प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में आपको यहाँ पर दे रखी हो, इस फॉर्म में इक्वेशन दे रखी हो, तो यहाँ पर जो ए बी और सी होते हैं ना, ए बी सी जो होते हैं वो डी आर ऑफ नॉर्मल होते हैं। प्लेन का जो नॉर्मल है उसके क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो होते हैं। मैं पूछूं कि आपके पास प्लेन की इक्वेशन ए दे रखी है, बताइए इसके नॉर्मल के डी आर क्या हैं, नॉर्मल के डी आर क्या हैं, तो नॉर्मल के डी आर क्या होंगे, 2, -3 और 4। आप देख लीजिए, आपके पास नॉर्मल ये है, नॉर्मल वेक्टर ये था, इसके डी आर क्या थे, 2, -3 क्या थे, 4 थे। जब इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दे रखी हो, इस फॉर्म में दे रखी हो, तो एक्स वाई जेड के जो कोफिशेंट होते हैं वो हमेशा डी आर ऑफ नॉर्मल होते हैं। ये चीज़ बार बार यूज होगी, इसलिए मैं आपको यहीं बता देता हूँ, आप इसे बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें, आप इसे कॉपी कर लीजिए।